कोई एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे लोग खाते हैं, कुछ लोग पसंद नहीं आएगा शायद वीडियो में वो। तो इसको बोलते हैं टूना, कैक्टस पे लगता है ये फ्रूट। तो यहाँ पे जो मेन्यू होता है उसका मतलब है जैसे थाली, थाली सिस्टम होता है। लेकिन स्पेनिश लोगों ने बोला नहीं भाई हमें तो तुम्हें बनाना है क्रिश्चियन, तो उन्होंने बोला कि हम चर्च बनाएंगे और चर्च बनाएंगे और चर्च बनाएंगे और चर्च बनाएंगे। तो उन्होंने 30 चर्च बना दी सेंटर के अंदर ही। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, वेलकम टू दी पंजाबी वॉन्डर्स यूट्यूब चैनल। तो अभी मुझे जाना कहीं और था लेकिन मैं कहीं और ही पहुंच गया हूँ। एक्चुअली द स्टोरी इज लाइक कि डेस्टिनेशन थी कुस्को, और कुस्को के हाफ वे पड़ता है आयाकुचो, और यहाँ पे एक बहुत सुंदर जगह पड़ती है जिसका नाम है मिल्पू पूल्स। मैं वहाँ जाने के लिए आया था लेकिन वो बंद है बिकॉज ऑफ द रेन्स। तो अब मैं आयाकुचो शहर घूम रहा हूँ, और ये काफ़ी ट्रेडिशनल शहर है पेरू का। आई हैव गॉट माय होस्ट विद मी, टीटो। हेलो। सो मतलब एंड मोमेंट पे ही मैंने ऐसी रिक्वेस्ट भेज दी काउ सर्फिंग में। हाँ, ये शादी के लिए गाड़ी जा रही है कोई। ओल्ड कार है? हाँ, उन कार रोंती वो ओल्ड कार। हाँ, ओल्ड कार थी थी। सो कल मैंने बस ली इका से, रात की बस थी, सुबह पहुंचा मैं 5-6 बजे यहाँ पे। और मैंने रात को रिक्वेस्ट भेजी थी टीटो को कि कैन यू होस्ट मी, तो टीटो वाज काइंड इनफ, ही वाज लाइक या यू कम आई विल होस्ट यू। तो अभी मैं टीटो के घर में रुका हूँ और टीटो मुझे थोड़ा सा शहर दिखा रहे हैं, और ये काफ़ी मतलब रियल पेरू फील है यहाँ पे, आपको कोई टूरिस्ट वाली फील नहीं है यहाँ पे। जैसे ईका था वो पूरा टूरिस्ट ही था, जो आयाकुचो है ये पूरा का पूरा मतलब लोकल जो रियल पेरू है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। Vamos adelante. Sí. ये यहाँ का लोकल बाजार है कुछ। तो मुझे अभी बताया टीटो ने कि दिस इज कॉल्ड फेरियो, फेरिया फेरिया, जिसका मतलब है कि नया सामान पुराना सामान सब कुछ मिलता है यहाँ पे। मर्कादो इज डिफरेंट, ओके, मतलब जो मार्केट को मर्कादो बोलते हैं, और ये है फेरिया। यस, सो यहाँ पे आपको स्क्रैप पुराना सामान, ये देखिए सब कुछ भी पड़ा हुआ है, मतलब कुछ भी सामान रखा हुआ है, टूटा फूटा कुछ भी। तो यहाँ पर आपको कुछ भी मिल सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स, मेटल,
कपड़े जूते सब कुछ। तो जी तो बता रहे थे अभी कि यहाँ पे मतलब ऐसी मार्केट्स पूरे पेरू में कॉमन है ऑन सैटरडेज, तो ये रोज नहीं लगती, ओनली सैटरडेज। यहाँ पे किसी ने बेड रखा हुआ है, उसमें भी प्लाई लगी नहीं हुई। तो यहाँ पे रोड साइड पे ही ड्रिंक्स मिलती हैं ये सब। ये है चीचा मुरादा, वो है माराकुया। चीचा मुरादा होता है एक तरह का कॉर्न होता है, मक्की होती है, बट इट इज़ पर्पल कलर्ड। तो ये स्पेशल है यहाँ की चीचा मुरादा, वेरी वेरी टेस्टी। माराकुया तो है ही टेस्टी, पैशन फ्रूट है। तो खाने में क्या होता है, मेन्यू होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो मेन्यू होता है उसका मतलब है जैसे थाली, थाली सिस्टम होता है। जैसे ये मेन्यू में चार पाँच ऑप्शन है, जैसे पोयो होता है चिकन, तो ये चिकन है, ये चिकन है, ये पेकादो होती है फिश, पेकादो फ्रीतो मतलब फ्राइड फिश, कॉर्न फ्रिगोल, फ्रिगोल काइंड ऑफ बीन्स राजमा की तरह। तो मैंने ये ऑर्डर किया है पेकादो फ्रीतो कॉर्न फ्रिगोल, मतलब आपको कहीं भी कुछ देखना है तो पोयो इज़ चिकन, ये भी चिकन है, पोयो पोयो चूल्हे, तो ये मीट है, बीफ होगा ये, और बाकी ये फिर पोयो है, और ये तोर्तिया है, मैक्सिकन हो गया। तो मैंने अभी ये ऑर्डर किया, देखते हैं क्या आता है। पहली बार खा रहा हूँ मैं ये यहाँ पे फ्री ऑल, मैंने आज तक नहीं देखे थे, तो लेट्स ट्राई। जो थाली होती है उसमें पहले सूप आता है, तो ये सूप आया है पहले, और मेन कोर्स बाद में आएगा। उसके बाद आती है ये ड्रिंक, तो ये कभी कभी बनी होती है मक्की से, लेकिन आज ये शायद मरकुया फ्लेवर है, इट्स यूजली गुड। तो ये आया खाना, ये वही फ्राइड फिश है, ये राजमा नहीं है, थोड़ा सा बीन्स ही है, बट क्लोज टू राजमा, सैलड और चावल। दिस इज पोयो, पोयो पोयो। Hay otras cosas por allá, entonces ahora lo que pruebe un poco de. तो ये this is a cactus fruit, right? और ये tuna, तो इसको बोलते हैं tuna, cactus पे लगता है ये fruit। और अभी आंटी ने ऐसे छील काट के दे दिया। इट्स वेरी सिमिलर टू पीच मुएरिको, दिस वाज वेरी टेस्टी, वेरी जूसी। जैसे अपना होता है ना पीच, वो इतना जूसी नहीं होता, ये थोड़ा ज़्यादा जूसी था। बट ही वाज टेलिंग मी कि देयर आर डिफरेंट कलर्स, पर्पल, ग्रीन, वाइट, light cream and white, purple yeah, y orange yeah, okay। तो ये शहर जो है इस पे क्या सीन है कि यहाँ पे सेंटर के अंदर ही 30 चर्चेज हैं। तो मतलब वो क्या सीन था कि जब स्पेनिश लोग आए यहाँ पे, तो यहाँ के लोगों ने बोला कि नहीं भाई, हमें नहीं चाहिए रिलीजन, हमें नहीं चाहिए क्रिश्चियनिटी, हमें चाहिए अपना रिलीजन। क्योंकि ये था कि ये इनका था कि सन गॉड है, माउंटेन गॉड है, लेकिन स्पेनिश लोगों ने बोला नहीं भाई, हमें तो तुम्हें बनाना है क्रिश्चियन। तो उन्होंने बोला कि हम चर्च बनाएंगे, और चर्च बनाएंगे, और चर्च बनाएंगे, और चर्च बनाएंगे। तो उन्होंने 30 चर्च बना दी सेंटर के अंदर ही। तो दिखी मेरे को चार पाँच, आपको और दिखाता हूँ अभी मैं। और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि ये सेंटर एरिया है, तो यहाँ पे लग रहा है कि बिल्कुल साफ़ है, कलरफुल है, लेकिन जैसे आप जाओगे सेंटर के बाहर, तो इट्स लाइक देर इज़ नो कलर, इट्स ऑल लाइक वेरी ब्लैंड। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है सेंटर और बाकी के शहर में। तो ये मुझे पहला ऐसा मिला एटीएम पेरू में जिसने मुझे कोई भी चार्ज नहीं लगाया, मैंने विड्रॉ करे पैसे यहाँ से। तो जनरली मेरे को चार्ज करते थे 25 सोलेस, 20 सोलेस, इसने जीरो चार्ज किया, कुछ भी चार्ज नहीं किया। Thank you.
हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज बारिश हो रही है तो कुछ कर नहीं रहा मैं, बस घर पे बैठे हम दोनों। यहाँ पे एक मैंने बड़ी, तो ये घर है जहाँ पे मैं रुका हूँ टीटो के साथ। तो यहाँ पे मैंने देखा कि सारे के सारे घर जो है ना, वो ना किसी पे प्लास्टर करा है ना पेंट करा है। आप देखिए सारे के सारे घर, ऑलमोस्ट कुछ कुछ घर हैं बीच में जिसमें पेंट करा है, जैसे ये इस पर करा है, इस पर करा है। मोस्टली ऐसे हैं जैसे कि अभी बने ही नहीं है पूरे। तो मैंने ये पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे और बहुत सारे लोग साउथ अमेरिका से, उन्होंने मुझे बताया कि ये इसलिए करते हैं लोग बिकॉज वंस यू फिनिश द हाउस, जब आपका घर पूरा बन जाता है तो यू हैव टू पे टैक्सेस। तो मैंने ये इंटरनेट पे भी कंफर्म करा तो लिखा हुआ था काफ़ी जगह पे कि पेरू में है ये सीन कि अगर आपने घर कंप्लीट कर लिया तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, अगर आपका घर ऐसे ही पड़ा है आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मैंने जब अपने होस्ट से पूछा तो उसने मुझे बताया कि ये सीन नहीं है अभी, अभी बोलते हैं कि चाहे आपका घर पूरा हो गया नहीं हो गया आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे ये रीज़न दिया कि काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे आपको घर, अगर बाहर सबको प्लस्टर कराना है और पेंट कराना है तो लोग घर के अंदर करा लेते हैं सब कुछ, अंदर से पूरा फिनिशिंग करा देंगे लेकिन बाहर नहीं कराते बिकॉज काफ़ी पैसे लग जाते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू बिकॉज इट वॉज इंटरेस्टिंग फॉर मी। ऑल्सो टीटो वॉज टेलिंग मी, टीटो यू वर टेलिंग मी दैट we recorded the video yesterday as well, but I want to do it again. Okay. The real pronunciation of Peru and Cusco in the Quechua language, Quechua language. Yeah. In Quechua. Yeah. Peru es Biru. Biru. Normalmente. Sí. Y Cusco. En Quechua lengua o lengua Quechua es Josco. Josco. La good pronunciation. Ah, yeah. So. तो ये चीज़ बताई थी मेरे को टीटो ने कल की, जो यहाँ के, जो यहाँ का कल्चर है, जो हम पहनते भी हैं ब्रांड, बहुत सारे लोग डिकैथलॉन से लेते हैं, हम केचुआ, हम उसको कोई क्वेचुआ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, द रियल प्रोनाउंसिएशन इज केचुआ। तो केचुआ यहाँ के लोगों का कल्चर, जो यहाँ की लैंग्वेज कल्चर, उसको केचुआ बोलते हैं। तो उस लैंग्वेज में पेरू को बीरू, मतलब द रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ पेरू वॉज बीरू और रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ कुस्को वॉज कुस्को। तो कुस्को भी जाएंगे, अभी रात की मेरी बस है और 17 घंटे की बस है वो, तो फिर हम कुस्को पहुंचेंगे। कुस्को में तो बहुत सारी चीज़ें करेंगे, बहुत बहुत ही बहुत मज़ा आने वाला है कुस्को में। एक और चीज़ की जो हम बोलते हैं कि भाई यहाँ का इनका कल्चर, इनका इनका ट्रेल, इनका ये, इनका वो, तो इनका कल्चर नहीं था कुछ भी, कल्चर केचुआ ही है इनका। जो एक कैसे बोल सकते हैं हम कि दोज़ वर द पीपल हु रूल्ड द केचुआ पीपल, जैसे आप बोल लो कि मुगल्स, ठीक है, तो मुगल कल्चर, मुगल जैसे बोलते थे कि मुगल्स रूल करते थे नॉर्थ इंडिया में, तो वैसे ही इनका पीपल दे यूज टू रूल, तो उनका एम्पायर था, तो इनका एम्पायर बोल सकते हैं, इनका एम्पायर, बट इनका कल्चर नहीं, केचुआ इज़ द कल्चर। तो अभी आज कुछ खास नहीं करने वाला, बस बैठूंगा, चिल करूंगा मैं सारा दिन, और मेरी रात को बस है, शायद मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ खाने वाला हूं, कुई। तो कुई एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहां पे लोग खाते हैं, कुछ लोग पसंद नहीं आएगा शायद वीडियो में वो, अगर देखूंगा अगर मुझे मिलता है वो खाने को तो वो खाऊंगा, और फर्स्ट फिर शाम को हम निकल जाएंगे कुस्को के लिए, कुस्को के लिए, और कल पहुंचेंगे दोपहर में, और फिर तो वहां पे रहूंगा मैं आराम से 10 दिन तकरीबन। तो बहुत सारी चीज़ें करेंगे कुस्को में। तो अभी मैं निकला हूँ घर से बाहर, और ये एक यहाँ पे मतलब जो होता है ना वेंटेज पॉइंट्स, व्यू पॉइंट्स को बोलते हैं मिरादोर, तो मिरादोर है ये, और वो सामने यहाँ का एयरपोर्ट है, वो पूरी जो स्ट्रिप है अच्छा है। लेकिन अभी हम यहाँ पे जो स्पेशल चीज़ करने आए हैं, हम यहाँ पे खाने आए हैं कुई, आपको मैं दिखाता हूँ कुई होता क्या है।
¿Qué pasó? ¿Por qué la gente? तो ये लो जी आ गया अपना कुई फाइनली. तो कुई मतलब इट्स गिनी पिग. मैंने हाफ मंगाया था तो ये इन्होंने आधा दिया है काट के. और ये साथ में नूडल्स हैं कुछ. और दिस इज पुका पिकांते. पुका मींस रेड इन केचुआ लैंग्वेज, केचुआ लैंग्वेज. और पिकांते मींस स्पाइसी. तो फाइनली कुई कुई का टाइम आ गया. तो आगे देखते हैं कैसा लगता है कोई. बिकॉज ये थोड़ा सा डीप फ्राई किया हुआ है, थोड़ा सा तो काफी ऑयली है. बट इट टेस्ट लाइक चिकन ओनली. ऐसा कुछ अलग सा नहीं है कि यानी क्या खा रहे हैं. ऐसे तो गिनी पिग है ये. बट आर टेस्ट इज जस्ट लाइक चिकन. सी इट्स गुड. इट्स गुड. ओके सुपर. Buon appetit, buon provecho. Puka picante. Y puka picante. Puka picante. Okay, puka picante. Iska naam spicy hai, lekin ye spicy hai nahi. Ah, okay, okay. Okay. Mm. Y the combination in general, puka picante, spaghetti, and rus. All of it. This is like authentic. Ah, okay, okay. Authentic ayacucho. Yes, comida, sí? Authentic ayacucho, yeah. So, buon appetit, my friend. Thank you. पूरा का पूरा शहर दिख रहा है यहाँ से. काफ़ी सही जगह थी यार ये वाली ना. मज़ा आया यहाँ पे. तो ऊपर से हम वहाँ पे अभी वी गोइंग डाउन. तो ये देखिए ये है टेरेस फॉर एग्रीकल्चर. वो है शहर. और जो वो देख रहे हैं आप ऊपर ये वाला, ये इनके स्टोरेज हाउसेस थे.